नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज भरोज की तरह कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज का मुद्दा आपको बता दें कि 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। पठानकोट में जो ऑपरेशन चल रहा था उसको लेकर के 6 आतंकियों को मार दिया गया। अरुण जेटली ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र किया कि जो समय लगा है उसकी वजह ये थी कि हम ये चाहते थे कि जिंदा पकड़ सकें। क्या कुछ इसके मायने हैं और इस हमले में कितनी गंभीरता है, इसको किस तरीके से लिया जाना चाहिए, क्या कुछ सीख लेनी चाहिए भारत को, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा सुनते हैं किस तरह की राजनीतिक टिप्पणियां आई। The operations for this particular airbase are going on smoothly given the magnitude of this airbase. These are joint operations launched by the security forces and are being conducted in an excellent manner. बहुत बात है कि ISI और पाकिस्तानी सेना इन तत्वों को खुद बढ़ावा देते हैं, खुद अंदर हिंदुस्तान में भेजते हैं और उसी का नतीजा पठानकोट है, उसी का नतीजा अन्य घटनाएं हुई हैं, जिसमें दीमानगर है, आपके गुरदासपुर है, जम्मू का एरिया है, तो अनेक घटनाएं हो रही हैं और उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी वहां पर जन्मदिन की बधाई देने चले जाते हैं। कुछ थोड़ा सा हमारी विदेश नीति सोच समझ के आगे परसू करना चाहिए। सरकार ने तो खुद कमेटी बनाई है, खुद कमेटी इस बात की जांच करने के लिए बनाई है कि पहले से इंटेलिजेंस इनपुट था, उसके बावजूद आतंकवादी कैसे अंदर एयरबेस के अंदर घुस गए। और आज जब आप स्वयं घोषणा कर रहे हैं गृहमंत्री जी कि सभी पांचों आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं, और वो समाचार गलत होता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ एसपी सिंह जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं आनंद साहू जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के। उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जो है मैं बीजेपी से ही पूछना चाहूंगा, आनंद साहू जी से। आनंद साहू जी, क्या कहेंगे आप 56 इंच का सीना, 67 घंटे का ऑपरेशन, पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, ये सवाल बहुत अहम है और मुझे लगता है कि ये देश के ऊपर जो आघात है, प्रहार है, उसमें सेना के साथ साथ पूरा देश और सरकार तमाम ताकत झोंकने के लिए तैयार है। लेकिन वहाँ जो स्थिति है, वहाँ सिविलियंस की कोई ज़्यादा कैजुअलिटी ना हो, आर्मी के ऑलरेडी जवान वहाँ, उसमें कई शहीद हो चुके हैं NSG के और कमांडोज और कई ऐसे अधिकारी जो है पड़ा है, तो मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह से लगी है। और एक जो कल्पना होती है पहले से, जिस प्रकार से उनका रवैया रहता है पाकिस्तान का, कि जहां हम जितने भी पाकिस्तान की स्थिति खराब करने के बाद जो डीरेल होता है उसको आनंद जी ट्रैक में लाने का प्रयास सरकार करती है, और तुरंत वहाँ आतंकवादी जो तत्व हैं वो सक्रिय होते हैं, ये पाकिस्तान की विफलता है। आपको लगता नहीं है सरकार की खुफिया एजेंसियों, सरकार की फेल्योर है, खुफिया एजेंसियों का फेल्योर है? तमाम जानकारी थी आपके पास, आपकी गवर्नमेंट के पास। जी देखिए, खुफिया एजेंसी को इतना मालूम था और आतंकवादी आ गए हैं और उन्होंने अलर्ट कर दिया था। उसके बाद भी देखिए, उनको मरने और मारने का डर नहीं रहता है, उनको जान तो मतलब अपने ऊपर डर नहीं होता है, वो सीधा मारते हुए अंदर चले गए। आप एक बात, अब ये देखिए, ये घटना जो है, एक के बदले 10 सर की बात होती है, 7 जो है जवान शहीद हुए हैं। नहीं, आप एक चीज मुझे बताइए, अभी हम ये जो आंतरिक युद्ध अभी इस प्रकार से अचानक जो इस प्रकार से आतंकवादी का युद्ध झेल रहे हैं हम, और उसके बाद अगर हम एकदम से अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देते हैं, ये बात तो आप कहते थे कि तो सरकार बदल गई है, ये कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि घर अपना सेफ नहीं और दूसरे के घर पे फिर मुझे लगता है हम फेंकेंगे। मुझे लगता है कि सरकार, अगर आप एक चीज बताइए मुझे, अगर देश अगर तैयार है युद्ध के लिए, तो भारत की सरकार जो है मुझे लगता है पूरी तरह से तैयार करेंगे। पता है क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में अभी ये चर्चा चल रही है कि भारत आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया है,
और दुनिया भर में ये चर्चा हो रहा है कि भारत जो है विकसित राष्ट्र के कगार में जाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे टाइम में अगर हम युद्ध में आ गए ये 5 आतंकवादियों के कारण या 10 के कारण, तो मुझे लगता है आपके आपके जो लीडर और नुकसान ज्यादा होगा। ये एक ये आपके लीडर सरकार की जो है ये मीडिया अपनी एक नीति है, सोच है सरकार को जनता के साथ कॉन्फिडेंस में लेके आगे मुझे लगता है जो भी है पूरे विपक्ष को एक बैठक करके उनको विश्वास में लेके सरकार कह रहे हैं कि युद्ध भारत झेल नहीं सकता है, तमाम तर्क वो दे रहे हैं। लेकिन जो बात पहले कही जाती थी 56 इंच का सीना, बात कही गई 1 के बदले 10 सर, ये क्या हो गया? एक 4 लोगों को पकड़ने में, 5 लोगों को, 6 लोगों को मारने में 67 घंटे का ऑपरेशन चला है। किस तरीके से वो लोग पूरी जानकारी के बावजूद जो इतना लंबा ऑपरेशन चला, आप कैसे देख रहे हैं इसमें इसे? देखिए, मैं बीजेपी को और कांग्रेस को जवाब इसलिए नहीं देना चाहता कि न कांग्रेस का देश है न बीजेपी का देश है, और कांग्रेस वाले ये कहें कि हमने ये अच्छा किया था, और अब ये जो कह रहे हैं इनकी बात मान लें, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो जो एमएसजी का कमांडो जो मरा है उसमें, जो 10 हमारे बड़े इलीट फोर्स के लोग मरे हैं उसमें, वो किसी पार्टी के नहीं थे, वो देश के टैक्सपेयर की मनी से वो इतने बड़े उस पर उनको पहुंचाया गया, इतनी ट्रेनिंग दी गई और वो मरे। इससे पहले भी हमने देखा, और हर बार जो है वो फौजी मरता है। लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि ये तमाम सारी बातें कर रहे हैं कि हमारा दुनिया में बड़ा नाम हो गया है, हम देश की दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं और हमारी दुनिया हमसे डरने लगी। ये तमाम सारी कागजी बातें जो हैं वो अपनी जगह हो सकती हैं और ये खुश हो सकते हैं क्योंकि ये प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप ये बताएं कि आपने खुफिया का जो भी कुछ आपको जानकारी मिली उसमें फेल हुए नहीं हुए, ये भी इंक्वायरी का और इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने ये देखा कि ये रात के 2:30 बजे शुरू होता है ऑपरेशन, और शाम आते आते तक देश के महान लोह पुरुष, अपने आप को कहलवाने के शौकीन, इस देश के गृहमंत्री ने एक बयान दिया, और इस देश में सत्ता में बैठा हुआ मंत्री जब कोई बयान देता है तो वो देश के सामने एक बयान दे देता है कि जो मैं कह रहा हूं ये आखिरी शब्द है। ये कोई ऐसी चंडू खाने की खबर नहीं है कि कहीं किसी चाय खाने पे सुनी और बोल दी। उन्होंने शाम को बाकायदा देश को ये बयान दिया कि आर्मी का ये जो ऑपरेशन चल रहा है, हमने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है, हमने देश के साथ सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया है और यह ऑपरेशन खत्म हो गया है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि उन्हें कहीं किसी कोने में कह दी, किसी के कान में कह दी और अखबार ने गलत छाप दिया। सवाल यह है कि इस देश का गृह मंत्री को ही इंफॉर्मेशन नहीं है, एक ऐसा इतना बड़ा ऑपरेशन, एक इतना इंपॉर्टेंट, इतना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट ये पठानकोट का है। आप लोग जरा इतिहास में जाएं तो 65 और 71 में सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान को पीटा है तो हमारी हवाई सेना ने पीटा था और उसमें इसकी बड़ी भूमिका थी। आप ये देखें, जो मैं 2-3 चीजें समझ नहीं पा रहा हूं, जो ये सरकार नहीं जवाब दे रही है, दाएं बाएं कभी आर्मी के लोगों को बैठा देती है, कभी कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठ जाता है, कभी एक वो जो महर्षि साहब बनाए गए होम सेक्रेटरी उनको पता ही नहीं था, 3-4 बातों को उनको इल्म ही नहीं था। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपके देश में कुछ आतंकवादी घुसते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हर देश में घुसते हैं, आप बहुत अलर्ट हैं, आपके देश में वो घुस गए, एक एसपी को अगवा करते हैं, एक आदमी का गला काटते हैं, वो 24 घंटे तक घूम रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमें जानकारी है कि ऐसे 15 लोग आ गए हैं। आपने इस पठानकोट के आसपास के बाजारों को जिस दिन ये घटना रात में घटी है उसी दिन जो कहते हैं कि सुबह रात 8 बजे आपने सारे मार्केट को बंद करा दिया था, आपने कहा यहां ऑपरेशन होने वाला है, वो लोग उसकी गाड़ी लेते हैं, उसको जंगल में फेंकते हैं, एक आदमी का गला काटते हैं, वो आदमी सिविलियन है, वो बताता है पुलिस को कि ऐसा ऐसा हो गया है। उसके बाद वो जब गेट पे आ जाती है गाड़ी विपुल, वो 1.5 किलोमीटर तक अंदर चले जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये इंफॉर्मेशन इनके हिसाब से ना होती, अगर ये खुफिया जानकारी नहीं होती तो तब क्या होता, मैं ये समझ नहीं आ रहा। जब आपने सबको अलर्ट कर दिया है को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, आज 68 घंटे के बाद ये नहीं कह पा रहे ये कि 7 है 8 है। आज एक नया इन्होंने थ्योरी उसमें निकाली है कि हमें पता चला है वो फिदाइन हमला करने वाले लोग हैं। अगर वो सुसाइड बम्बर है तो ये पहले दिन नहीं पता था, ये दूसरे दिन नहीं पता था, अब जब लगा कि देश में एक दबाव बन रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो आपने कहा वो फिदाइन हमला करने वाले लोग थे। मैं कह रहा हूं कोई भी लोग थे, लेकिन रेगुलर आर्मी के लोग नहीं थे, हमारी देश की इलीट फोर्स लगी हुई है, हमारे देश की सेना लगी हुई है, एक 4 सूबों का देश, उसके लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पूछ रहे भाई कि अगर ये आतंकवादी हमारे यहां से भी गए थे तो आपकी इतनी सेना थी, आपके इतने लोग थे,
रोक पाते हैं, ना शहर में रोक पाते हैं, ना एयरबेस में रोक पाते हैं, ना मार पाते हैं, तो फिर आपकी सेना करती क्या है? महत्वपूर्ण सवाल है उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे इंसिडेंट को? क्या इसमें कई कमियां भारत की जो है वो उजागर हुई हैं, जिस तरीके से इतने महत्वपूर्ण एयरबेस पर वो अंदर तक न सिर्फ घुसे बल्कि उनके पास इतने अम्युनिशन थे कि वो 67 घंटे तक फाइट भी कर सके, फायरिंग उनकी तरफ से लगातार हो रही थी, कितना असलहा लेकर के आए थे? नहीं, अभी भी ऑपरेशन ऑन है, अभी ऑपरेशन ऑन है। कुछ जो गिरफ्तारियां हुई थी इसके पहले, जासूसी के आरोप में कुछ एयरफोर्स के जवान पकड़ाए थे, रंजीत लोग पकड़ाए थे, तो हमें लग रहा है कि ये पूरी तैयारी थी उनकी, और हो सकता है अभी क्योंकि कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, हो सकता है अभी और लोग होंगे एयरफोर्स में जो उनसे मिले हुए लोग होंगे, उनके पेरोल पर होंगे, तो ये हमें तो लग रहा है कि जरूर भी उस कैंपस में जरूर कहीं उन्होंने पहले से इंतजाम कर रखा होगा आर्म्स का, क्योंकि खुद अपने शरीर पर लेकर के आकर के 67 घंटा तक चलाना हमें बहुत समझ में नहीं आ रहा है। जब तक वहाँ लोकल उसको सपोर्ट नहीं मिला होगा, लोकल कहीं उन्होंने पहले से रखवा लिया होगा कुछ और करके, उसमें इंडियन डिकॉय का इस्तेमाल किया होगा, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे जुड़े दूसरे लोग होंगे, तो ये तो उन्होंने पूरी तैयारी के साथ की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चूक थी कि एक एसपी को ही उन्होंने उसकी गाड़ी छीन ली। जब एसपी की गाड़ी छीन ली गई, एसपी होता है जिले का पुलिस कप्तान होता है, मतलब समझिए जो जिला का जो मेन होता है वही, उसकी गाड़ी छीन ली, उसके बाद तो अगर वो 24 घंटे तक घूमता रहता है तो यह तो पंजाब पुलिस के लिए भी डूब मरने की बात है, क्योंकि आजकल है ऐसा नहीं है, मोबाइल का एज है, अगर एसपी को किसी से गाड़ी छीन लेता है तो एसपी के पास मोबाइल होगा, अगर उसके पास नहीं होगा तो आसपास चलते फिरते किसी आदमी से मोबाइल, आजकल तो पंजाब है उतना सबसे बिहार का भारत का उतना विकसित राज्य है, लगता है प्रत्येक आदमी के पास जो सड़क पर घूमता होगा किसी न किसी के पास मोबाइल होता होगा, क्या वो तुरंत अलर्ट करके अगला रोड पर पुलिस की पिकेट में आकर उसको रोक नहीं सकता था? उसने तो अगर एसपी को उसने उसकी गाड़ी छीन ली तो उस गाड़ी को कायदे से तो आधे घंटे में उसको पकड़ा जाना चाहिए था, अगर आधे घंटे में नहीं आप पकड़ पाते हैं कि एसपी की गाड़ी को छीनने वाले को, तो वो पंजाब पुलिस के लिए डूब मरने की बात है। लेकिन कल परसों देखा कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वहाँ पंजाब के, वो बहुत क्रेडिट ले रहे थे जो किया सो पंजाब पुलिस ने किया, क्या किया पंजाब पुलिस ने उसको, तो उसने एक तो बहुत भारी गलती कर दी थी, अगर वो गलती नहीं करते तो सकता ज़्यादा मारक हो सकते थे। फिर है कि उसके बाद जो पुष्पेंद्र जी ने कहा क्या क्या हुआ, उस बात को मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये जो हो गया है ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। और जो हम लोग क्लेम कर रहे थे कि हमारा सब कुछ पुख्ता है, उससे हम लड़ने की क्षमता है, तो क्या क्या क्षमता सब दिखाई पड़ गया। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर सिंह साहब कि अगर इस पर राजनीतिक टिप्पणी देने के बजाय आप बताएं क्या आपको लगता है, इस इतना बड़ा ऑपरेशन था, युद्ध जैसी स्थिति अगर वाकई में लोग सफल हो जाते तो बहुत बड़ा नुकसान होता भारत का। देखिए, ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, इस ऑपरेशन में हमारे शहीद हुए हमारे जवान, मैं उनसे संवेदनाएं उनके परिवार से मैं व्यक्त करता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये बहुत बड़ा नुकसान है, और नुकसान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमें मालूम था ये नुकसान होने वाला है, और उसके बावजूद भी अगर नुकसान होता है तो ये हमारी कमी है। दूसरा, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले इलेक्शन से पहले मोदी साहब कहने वाले कि लव लेटर लिखना बंद करें, और अब वो जाके खुद बिरयानी खा रहे हैं। मोदी साहब कहते थे कि ईंट का जवाब पत्थर से दें, या तो ईंट का जवाब ईंट से देने में भी 67 घंटे लग गए, अभी ये नहीं पता कि उसमें कोई है या नहीं, अभी ये भी क्लियर नहीं है, वहाँ हो सकता और भी 2-4 हों। और जिस तरह आर्म्स एंड एम्युनिशंस के साथ वो अंदर थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहले से ही वहाँ उन्होंने जमा किया हुआ था। 67 घंटे किसी भी ऑपरेशन को चालू रखना बिना आर्म्स एंड एम्युनिशन के पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये बहुत बड़ा है। ये इसके विषय में इसका सोचना बहुत ज़रूरी है, और ये 10 सिर लाने वाली बात है, और ये सभी इन्हें मालूम हो जाएगा अब ये क्या कर रहे हैं। देश को इन्हें बताना चाहिए कि हम जो पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे अब हम कहाँ हैं। ये देश का जो इतना बड़ा नुकसान है, अब ये समझ गए, जैसा उपेंद्र जी ने कहा कि अगर उन्हें वहीं रोका नहीं जाता तो वो देश की वायुसेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। उनका मकसद ही ये था कि जितना भी वहाँ हमारे प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाना। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर साहू साहब, आपको लगता है कि आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से,
थोड़ा कैजुअल अप्रोच रहा इसको लेकर के, इसको जिस जितनी तत्परता से इसका इसके इस पर एक्ट होना चाहिए था, कई सारी चूकें तो हम जैसे लोग को पता लग रही हैं। जैसे अभी उपेंद्र जी जिसका जिक्र कर रहे थे कि एक एसपी की गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, तब भी उसको हम रोक नहीं पाते हैं। एसपी की गाड़ी को लोकेट कर पाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसका मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल से बातचीत, उसको मोबाइल फोन ट्रैक नहीं कर पा रहे, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं हो पाता है। कहते हैं कि नहीं, हम ट्रेस नहीं कर पाए, हमने हम वो सफल नहीं हो पाए आतंकवादी। उनको तो जो सिंबल देना था, जो मैसेज देना था, वो दे करके चले गए कि हम ऐसे ही आएंगे तुम्हारे घर में घुस करके, इस तरीके यहां तक हम पहुंच सकते हैं। ये मैसेज बड़ा मैसेज है, आप बाकी लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आइए, आराम से हमला हो सकता है। देखिए, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, अगर आप याद होगा आपको पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ था, तो अगर वो जवान नहीं मारे होते उन आतंकवादियों को बाहर में, तो आप समझ लीजिए क्या होता वहाँ, कितने लोगों का नुकसान होता। वही हाल यहाँ पर हो रहा है कि कुछ बच गए, वो कहाँ कहाँ जा करके अपना वो हो सकता है होस्टेज बना लिए होंगे, और तमाम जो इंटेलिजेंस का जो रिपोर्ट है उसमें ये जो सामने आ रहा है कि कुछ एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं या कर्मचारी हैं वो मिले हुए थे पहले ही, इंटेलिजेंस की तरह उनके लिए काम कर रहे थे, ये भी एक पकड़ में आना ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ये आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अगर वो अगर पकड़ में नहीं आते और आतंकवादी आए अंदर, वो भी बात पता नहीं होती, तो आज हो सकता है दिल्ली में, आपसे सीधा सवाल, दिल्ली में आज ये बीजेपी की सरकार किस लिए बैठी है, अगर ये सरकार है वापस गुजरात भेजिए, ये देश चलाने लायक नहीं है। अगर हम कहते हैं कि इतना इंफॉर्मेशन के बावजूद भी आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप ये मत बोलिए दस लोगों को आपने सही करा दिए, बड़ी कामयाबी है, कामयाबी के कारण कामयाबी बता रहे हैं, ज्यादा उनके ऊपर काबू पाया गया है, देश का नहीं, देश का सर सर से झुक रहा है, वो हवाई जहाज के बावजूद घर में घुस कर मार रहे हैं, प्लेन को लेके कहीं हो सकता है उसमें से कोई आतंकवादी ट्रेंड हो, वो फ्लाइट को ले जाके कहीं गिर जाता, कभी कुछ भी हो सकता था। तो ऐसी बात आज सरकार की कामयाबी है कि इतनी सुरक्षा वहीं पर उसको रोका गया है, तोड़ करके और अधिकारी जो पहुंच रहे हैं, है, इंटेलिजेंस है। विपुल जी आप बताइए मुझे और क्या सवाल है आप, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, अगर ये घटना कांग्रेस के समय में होती तो इसी तरीके से आप डिफेंड करते, तो बड़ी क्या कहते हैं ये बताए, नहीं नहीं जो ये जो कह रहे हैं ना मोदी जी, आप बता दे रहा हूँ आज मैं यहाँ आज फिर कह रहा हूँ कि देखिए मोदी जी जैसा आदमी आपको नहीं मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कार्यकर्ता हो चाहे देश का नागरिक के लिए ले लीजिए, वो व्यक्ति के ऊपर संशय मत करिए, कम से कम वो देश के हित में वो अपना प्राण दे देंगे, लेकिन किसी प्रकार समझौता नहीं करेंगे। घटना है, आप सवाल कर रहे हैं प्राण दे देंगे, वही वही वो उसे पिछली सरकार ने उसी को उसी हाफिज सईद को उसको हमसे छोड़ के आए थे वहां पर, ये आप लोग कह रहे हैं जान दे देंगे, अरे आप लोग मंत्री की बेटी के लिए उसको छोड़ा था, किसने ऑपरेशन किया है उसकी बात, जैसे मोहम्मद का है दोहराऊंगा नहीं, कमाल कर रहे हैं अजहर अजहर मसूद हमारी सरकार में, आप किस अजहर मसूद को छोड़ के आए थे बिरयानी खिला खिला के, वही अजहर मसूद है इसमें, कौन है आपका छोड़ा हुआ है वो, किसको अजहर मसूद को, पिछली सरकार थी जब वाजपेयी जी की, उसको बिरयानी पैक करके भी ले गए थे कि लीजिए, पैक करके ले गए थे, आपने क्या क्या बताइए गिनाऊंगा, उसने किया है छोड़ के चले जाए, लेकिन मेरा आप मैं उसमें नहीं पड़ी बात कर रहे हैं, देश में जो घटना हो रहा है बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, उस पे हम टेररिस्ट को छोड़ रहे हैं पाएंगे, और वो टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं फिर कह रहे मोदी से, अच्छा कह रहा हूँ कि जो हमारे शहीद हुए हैं एक के बाद एक शहीद हो रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बड़ी मतलब युद्ध पाकिस्तान के साथ करनी आपको क्या लग रहा है, पूरे देश को बहुत साल हो गया लग रहा है, आपको अब लगना शुरू हुआ है, अरे अब कर क्या रहे हैं आप, उस युद्ध के बारे में बताएं, आपकी आवाज आप युद्ध के बारे में क्या कर रहे हैं ये बताएं देश को, जिगर धमकी जो ये तो पूरा देश जानता है, विषय है मैं चाहूंगा मत करिए आप लोग जिम्मेदार, हमने देख लिया आपको बहुत साल से क्या किया है आप, अभी ब्लेम गेम पे नहीं जाते, ये मतलब की बात भाषा मत करिए, चलिए साहू साहब साहू मैं इतना जरूर कहूंगा कर रही है, कि हमारी सरकार अगर युद्ध में जाएगी तो पाकिस्तान के साथ हम बिल्कुल हम जीत करके आएंगे, और उसमें कोई संशय साहू साहब मैं कह रहा हूँ कि सेन अब क्या बोल रहे हैं आप, मुझे लगता है आप खुद कंफ्यूज है, सेना अपना काम कर रही है, सरकार का काम है पॉलिसी बनाना निर्णय लेना, जो आप जो बातें आप सरकार बनने से पहले कहते थे कि नहीं ये जो सरकार आएगी वो एक के बदले दस सर लाएगी, लेकिन लोगों को वो जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा है, एक बात कहूंगा सरकार का पहला क्या ये भी इरादा ये होता है कि पड़ोसी के साथ अगर हो सके तो पड़ोसी के साथ वाली बात आखिरी प्रयास सरकार ने किया है,
और अब आप देखना आगे से क्या होगा। आप मैं आज ये कह रहा हूँ, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पकड़ी दे रहे हैं उनको, वो हमारे सर काट रहे हैं, और उससे पहले आप कहते थे कि अरे आप देख लेना अगर हम, लिखना बंद होना अगर हम उनके जितने जो आतंकवादी के अलावा सैनिकों के भी सर नहीं काटे तो आप बताना कब आगे कब रुक जाओ। 18 महीने 19 महीने इतना ये जो कर दिया है, पुष्पेंद्र जी की टिप्पणी चाहता हूं, ठीक है, मैं इसके लिए मैं सरकार को बधाई दे रहा हूं, लगातार सफाई दे रहे हैं, उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए जैसे ही प्रॉब्लम हमारे देश में ये है कि पाकिस्तान के तमाम जितने भी विरोधी विपक्षी दल हैं और हम यहाँ बैठ करके नवाज शरीफ को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये देश हमारा जो है इस तरीके का है कि जिन लोगों के बारे में उसको पता है उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नवाज शरीफ अच्छे हैं, फौज और आईएसआई जैसे इन सबको, इनको सब कुछ पता है हमारे देश के लोगों को। सवाल ये है कि आप ये देखें कि 68, 65 और 71 के बाद जब उनको पता चला कि उनके 95,000 सैनिकों को इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, मानिक शाह थे, जिस वक्त उनको सरेंडर करा लिया था उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी के तमाम बड़े टिक्का खां से लेकर के सबकी किताबें पढ़ लीजिए, सबने ये मान लिया था कि भारत से पाकिस्तान सीधा युद्ध नहीं कर सकता है। उसके बाद एक जो डॉक्ट्रिन बनी है वो भारत के हर नेता को चाहिए, हर नेता को उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन यहां राजनीतिक द्वेष इतना ज्यादा है कि हर नेता आता है और वो पाकिस्तान के साथ एक नया एक्सपेरिमेंट करता है, कोई बस ले जाकर के दोस्ती में सोचता है शायद आप बदल गए होंगे, फिर ये जाते हैं कि अब आप बदल गए होंगे, मनमोहन कहते हैं वो बदल गए होंगे। सवाल यह है कि उनकी पॉलिसी पूरी दुनिया को पता है, उन्होंने 71 के बाद जो डॉक्ट्रिन भारत के प्रति बनाई है उन्होंने कहा है कि भारत को इतना लहू लुहान करो 1,000 उसको जख्म दो, इंडिया ब्लीड इंडिया विद 1,000 कट्स, ये लाइन है उस डॉक्ट्रिन की, और उसी के तहत कभी आपके बॉम्बे में आते हैं 10 लोग तो 55,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था आपकी नष्ट हो जाती है, उसमें जो पैसा लगाते हैं वो अलग है, आपके यहां 4 लोग आ गए हैं 125 करोड़ देश का, जिसे कह सकते हैं वासियों का देश, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी फौज, इतना हथियार, उसके बाद आपके देश के सम्मान को मट्टी में मिला दिया उन्होंने। मैं इनसे जो शिकायत है मेरी, मैं नरेंद्र मोदी को नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया की हर चीज सफाई अभियान से लेके पाकिस्तान और अमेरिका तक नरेंद्र मोदी करें, इनके गृहमंत्री ने जो बात कही है वो मुझे समझ नहीं आती है, उससे पता चलता है कि इस देश का गृहमंत्री, इस देश का रक्षा मंत्री, इस देश के और दूसरे मंत्रियों में किस किस्म के कोऑर्डिनेशन का लैप्सिस है। आप सिक्योरिटी फोर्सेस के लैप्सिस की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आपका गृहमंत्री पहले दिन यह बयान देता है कि हमने चारों को मार दिया है, ऑपरेशन ओवर हो गया है, वो देश का गृहमंत्री है, उस पर कोई जवाब नहीं है, कौन क्या कहता है कौन नहीं कहता है। मेरा कहना यह है कि भारत के अंदर एक बीमारी हो गई है, भारत के लोगों और भारत के राजनीतिकों को, डिप्लोमेट को एक प्रॉब्लम यह हो गई है कि वो यहां बैठ करके अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से विदेश नीति बना रहे हैं। इंदिरा गांधी को बुरा कह लीजिए, नेहरू को बुरा कह लीजिए, शास्त्री को बुरा कह लीजिए, कांग्रेस को बुरा कह लीजिए, लेकिन मेरे भाई कांग्रेस पार्टी ने, जब आप किताब पढ़ लें, दुर्रानी की किताब पढ़ लें जो उसने लिखी है, तहमीना दुर्रानी ने, उसने लिखा है कि इंदिरा गांधी को पता चल गया था कि अगर पाकिस्तान के मॉरल को तोड़ना है और अवाम के दिलों को जीतना है तो अगर आर्मी वहां डिस्क्रेडिट नहीं होगी तब तक पाकिस्तान से दोस्ती नहीं होगी, और इसीलिए बांग्लादेश का ऑपरेशन हुआ, उसमें 95,000 उसी के बदले से वहां की आर्मी आज तक बाहर नहीं निकल पाई है, और हम बार बार कहते हैं कि हमने मुशर्रफ के साथ क्या किया, जो मुशर्रफ जिसने कारगिल किया उस मुशर्रफ को भारत के प्रधानमंत्री की वजह से राष्ट्रपति बनाया गया, क्योंकि उनको यहां लाना था, वो यहां आए वो चले गए करके, वही मुशर्रफ कह रहे थे, उपना लिख के गए थे कि हम पाकिस्तान की जमीन जो है आतंकवादियों को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जो देश अपने राष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्रियों के लिखित वादों को, लिखित समझौतों को न मानता हो, उसके साथ कैसा समझौता आप करेंगे। अब आप कह रहे हैं पड़ोसी नहीं बदल सकते, कि हम ये नहीं कर सकते, अगर आपका पड़ोसी मोहल्ले में रहते हो, रोज आपके साथ गड़बड़ करे, आपकी बेटी को उठा के ले जाए, तो क्या करेंगे आप? आप सिर्फ ये कहेंगे भाई पड़ोसी हम बदल नहीं सकते, या तो अपना घर बदल लीजिए या मार दीजिए। सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और सरकार के लोग जो बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो इतने शर्मनाक बयान है कि 125 करोड़ के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हम क्या बयान दे रहे हैं, हमको पता ही नहीं। राजनाथ सिंह का आखिरी बयान सुनिए, जो शर्मनाक बयान है, उन्होंने कहा कि अगर देश के मान सम्मान पे हमला होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज पिछले 50 साल में इस देश के मान सम्मान का मतलब क्या है।
कौन सा मान सम्मान होगा? आपकी फौज के लोग मारे जाएं, आपके बवर्ची खाने में आतंकवादी घुस जाएं, आप घुसे हुए आतंकवादियों को मार दो और कहो कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। कारगिल में आपने क्या किया था? कारगिल में आपके घर में लोग घुस गए थे, आपने उनको मार के भगा दिया, आपने कहा हम बड़े शेर दिल हैं। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि देश का सम्मान पे हमला किस दिन यह देश मानेगा कि हमारे सम्मान पे हमला हुआ है। पार्लियामेंट पे हमले को देश का सम्मान नहीं मानते आप अपने सेनाओं के ऊपर हमले पे नहीं मानते, आपके फौजियों के सर काट दें उसको सम्मान नहीं मानते, आपके पठानकोट में घुस जाए। और दूसरी बड़ी बात जिसको इग्नोर करा जा रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं उसी बहावलपुर के रास्ते से, उसी रूट से आए हैं जो दीनानगर गुरदासपुर में आए थे, सेम रूट उन्होंने लिया है। तो आप मुझे बताइए ये देश के ऊपर लोग दुनिया हंसेगी कि नहीं हंसेगी? आप कहते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट, आप कहते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था, उसका करेंगे क्या अगर आपका बावर्ची खाना सेफ नहीं है? तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब साहू जी से लेंगे, बाकी मेहमान बने हुए, छोटा सा ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। घटना चक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद साहू जी, सवाल सीधा सीधा, गृह मंत्री जिस तरीके से बताते हैं ऑपरेशन खत्म हो गया, आपको लगता नहीं आप कभी ब्रेक से पहले जब आप बोल रहे थे ये कर दिया, ये कामयाबी, बड़ी कामयाबी, ये शर्मनाक बात है? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसका बयान बहुत मायने रखता है और उसके बाद जो है उस ट्वीट को वो वापस ले रहे हैं, आपको लगता नहीं ये इससे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल जो है और कुछ नहीं हो सकता? कोऑर्डिनेशन की कमी सरकार में, जबकि कोई लग नहीं रही सरकार, सारे लोग मान रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी ने भी मान लिया कि भाई इसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी रही है। अब उस बात में मैं एक ही चीज कहूंगा, छोटी घटना नहीं है, जितना ये बहुत बड़ी घटना है और कोऑर्डिनेशन की कमी निश्चित रूप से ये सरकार भी मान रही है, माननीय जेटली साहब ने भी बता दिया है और इस बात को पुष्टि कर दिया है कि ऑपरेशन अभी जारी है। और मैं पुष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या गृह मंत्री को इस पर इस्तीफा देना चाहिए? इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है उनको पता ही नहीं है किस तरह का कोऑर्डिनेशन है? देखिए गृह मंत्री, आप इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं सर। देखिए गृह मंत्री जी खुद नहीं जाते हैं वहां पर, गृह मंत्री जी को तमाम आधिकारिक रूप से जो सूचना होती है वो बताते हैं जनता को, जो सूचना दी गई थी वो उन्होंने बताया और निश्चित रूप से जिन लोगों ने सूचना दी होगी वो बात के ऊपर भी निश्चित रूप से जांच होगी कि क्यों ऐसा लैप्स हुआ, इतनी बड़ी लैप्स, गृह मंत्री का बयान आने के पहले ये सूचना क्यों नहीं दी गई कि और आतंकवादी हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है इस बात पे भी खेद व्यक्त किया है कि ये सूचना का लैप्स जो था, कम्युनिकेशन का जो लैप्स था, मतलब आप तो जो जिस मुद्दे पर सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा था जो कि बड़ा मुद्दा आपने इसको बनाया था, इस मुद्दे पर तो आपकी स्थिति कांग्रेस से खराब होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए हम एक ही चीज कहूंगा मैं जी, कि देश में किसी भी मुद्दे पे देश हित में समझौता किसी भी कीमत में हमारी सरकार नहीं करेगी। ये आप सुन लीजिए, मुझे चाहे अभी ये घटना देखो एक बार बताओ, अगर कोई भी सरकार अब आतंकवादी जो शहीद होने के लिए मतलब अपना फिदायीन हमला के लिए पूरे आप उनको बताइए, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं? नहीं वो शब्द का गलत आप शहीद हुआ है, मैं उसको आपस देता हूँ, आतंकवादियों को शहीद कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ फिदायीन हमला जो मरने के लिए तैयार होके आते हैं हम लोग। देखिए हमारी ये सरकार जो है, हमारे जो शहीद हो गए एक से एक जवान, उस पे हमको निश्चित रूप से अफसोस हो रहा है, खेद हो रहा है कि इतने बढ़िया बढ़िया जवान पूरे देश को हो रहा है के वजह से और इसलिए ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन के बावजूद इतना हुआ, इसलिए ज्यादा हो रहा है। मैंने गलती से वो मुंह से निकला है, हो गया, वो स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, वो आप उन्हें शहीद नहीं कह सकते। हम कम से कम राजनीतिक, हमारी आपसे कोई झगड़ा नहीं है और ये भी आपने, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, देश का गृह मंत्री ये बता दे पूरे देश को कि हमारे देश के मान सम्मान पे किस कौन सा हमला होगा, तो वो ये मानेगा कि ये मान सम्मान पे हमला हुआ है, अब अच्छा। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अच्छा। क्योंकि एक सेकंड क्योंकि 15 तारीख को आपकी फॉरेन सेक्रेटरी इस्लामाबाद में बातचीत करने जा रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं, हमने 26/11 हुआ
जवान जवान एनएसजी के उन लोगों को देखा, किसी की एक महीने पहले शादी हुई है, किसी की डेढ़ साल की बच्ची है, उन घरों में रोना देखा, आज टेलीविजन पे वही सुबह से सीन चल रहे हैं, कुछ नहीं बदला। लेकिन आपका गृहमंत्री कहता है कि देश के मान सम्मान पे कोई समझौता नहीं होगा। ये मान सम्मान क्या है भाई? तो देश को पता चल जाए कि अगर पाकिस्तान या आतंकवादी यहां हमला करेंगे तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये मान सम्मान नहीं मुझे पता चल रहा है कहां है भाई, ये किस चीज पे होगा हमला? इस देश के गृह मंत्रालय पे हमला होता है, गृहमंत्री मारा जाए, किस चीज पे हमला? अल्लाह नहीं है, आप समझ नहीं रहे। मैं समझ रहा हूं, मैं गृह मंत्री नहीं हूं, आप ये समझिए। पार्टी के गृह मंत्री जी को आप जवाब जाके पूछ लीजिए सामने, टीवी के माध्यम से भी मैंने ये जवाब खुद कह रहा हूं कि ये लैप्स था, वो सरकार ने भी मान लिया, कम्युनिकेशन गैप। साहू साहब ये भी बता रहे हैं, ये ईद का बड़ा पत्थर से कैसे देंगे? आप जरा ये बताइए, मोदी साहब कहते थे सम्मान, ये साहू साहब खसोट, साहू साहब ये जरा और बताएं, ये जिहादी जवाब पत्थर से कैसे देंगे? ये उस जवाब पाकिस्तान को कम मिल रहा है और कैसे मिल रहा है आज का, जरा हमें बताएं। चले जरा पूरे दुनिया में यूएन में ले जाके इसको, आप यूएन यूएन के चक्कर में पड़ रहे हैं, तुम्हारा पड़ोसी मार के जा रहा है, घोषित कर यूएन में क्या होगा, इसके नक्शे से क्या होगा, यूएन में खत्म करना पड़ेगा, तभी ये आतंकवाद खत्म होगा। आज तक कभी यूएन में कुछ हुआ है? जो भी हुआ है अभी ये शुरुआत है, ये आखिरी होगा, हमारी सरकार करेगी उनकी बात। बाकी लोग भी सुन लीजिए, एक हफ्ते में थोड़ी पाकिस्तान बदनाम हो गया, मुझे सब कुछ करने वाले हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो हमला हुआ ये इसको कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से गृहमंत्री का बयान आता है उसके बाद से बाद में उस ट्वीट को वापस लिया जाता है, आपको लग रहा है कि ये थोड़ी सी जो अलर्टनेस होनी चाहिए या जिस जो सीरियसनेस होनी चाहिए वो नहीं थी इस ऑपरेशन को लेकर? देखिए इसमें है क्या नहीं कि राजनीतिकों की एक समस्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की, उसमें समाजवादियों की भी होती है और भाजपाइयों की होती है, बीजेपी वालों की और समाजवादियों की, दो बहुत इन दोनों की समस्या है कि छपास की आदत इसको बोलते हैं, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया तो दिखाने की आदत बहुत ज्यादा होती है, दिखास की आदत है। ये छपास और दिखास की जो आदत है ना, उसी के कारण हुआ, कोई लैप्सेस वगैरह नहीं हुए हैं। ये लोग क्या चाहते हैं, ज्यादा मीडिया में बने रहे, कहीं उसके पहले हमसे पहले वो ने दिया स्टेटमेंट दे दे, लोग आपस में कंपटीशन भी करते हैं, तो कौन पहले आ जाए उसका कंपटीशन रहता है और उसी के तहत देते हैं। आपको याद होगा कि वर्मा में एक ये लोगों ने कहा था कि भारत की सेना अंदर घुस के मारा है आतंकवादियों को, बाद में पता चला कि अंदर घुसी ही नहीं थी, म्यांमार ने भी उसका खंडन किया कि नहीं घुसी थी, और हाँ फिर बाद में आर्मी ने भी कहा कि नहीं घुसे थे, फिर उसका जो कुछ ऑडिट रिपोर्ट जो है कैग का, उसमें भी जो आया था आर्मी से, उसमें भी था कि नहीं घुसा था, लेकिन फिर भी इनके एक मंत्री ने कहा कि भाई हम तो घुस के मारे हैं, उसी तरह से अंदर कई किलोमीटर, जबकि उसके अंदर घुसा ही नहीं है, वो उसके अपने जो डॉक्यूमेंट्स बाद में आए हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, उसे उसका खंडन हो गया, उसी तरह से अपने ये हैं, इनको लग गया कि क्या पता कोई सूचना प्रसारण मंत्री पहले बोल दे, क्या पता रक्षा मंत्री कुछ पहले बोल दे, तो जो श्रेय जो जीत का है, इनको लग रहा था कि हम जीत गए हैं, तो वहाँ से कोई सूचना उनको मिली नहीं होगी, क्योंकि जो लोग ऑपरेशन में लगे हुए हैं उन्होंने कहा कि हमने कभी क्लेम नहीं किया कि ऑपरेशन खत्म हो गया, मैं ये भी कल देख रहा था, उन्होंने कहा कि हमने कभी कहा ही नहीं कि ऑपरेशन खत्म हो गया, जो ऑपरेशन में लगा हुआ, तो उन्होंने सूचना भी नहीं भेजी होगी, लेकिन जो मीडिया से जो खबरें आ रही है, लोग मीडिया में खबरें देखे होंगे, उसका ब्रेकिंग न्यूज देखा होगा किसी चैनल पर कि ऑपरेशन इज ओवर, सरकार खबरें देख के चल रही है। हाँ, वही होगा, मैं पक्का बोलता हूँ कि राजनाथ सिंह ने वही देखकर उनको लगा होगा कि कहीं सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली हैं, वो कहीं ने पहले स्टेटमेंट दे दें, रक्षा मंत्री परिकन है वो ने पहले स्टेटमेंट दे दें, या कोई और सूचना प्रसारण मंत्री पहले लेने की, हाँ तो पहले हम दे देंगे। किस बात से जीत, ये तो पता चला है किस बात की, नहीं तो उनको समय लग रहा था कि हम जीत गए, वो जो चैनल की जो खबरें होती है, जो अपुष्ट खबरें होती है, चैनल वालों में भी आपस में कंपटीशन रहता है कि कहीं दूसरा कोई खबर दिखला ना दे, तो वो भी एंटिसिपेट कर खबर डालते हैं, तो चैनल तो खैर चैनल है, उस बात को सब लोग मान लिया है कि वो बहुत पुष्ट नहीं होता है, वो अपना 5 मिनट के बाद खंडन भी कर दें, 1 घंटे के बाद खंडन भी कर दें, 1 दिन के बाद खंडन भी कर दें, उससे ज़्यादा नहीं बिगड़ता है कुछ, लेकिन जब सरकार का कोई मंत्री इस तरह से कहे तो यह बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। और ये मैं बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी कमी है, आपके नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कमी यह है कि उनके पास अच्छे लोग नहीं है, उनकी सरकार में टैलेंटेड लोगों की कमी है, और जो कुछ भी उन्होंने बड़े बड़े जो पद दे रखे हैं, जो लोगों को उन्होंने चुना है, हमें लगता है उसमें आधा से ज्यादा हैं उस पद के लायक हैं ही नहीं। जी प्रधानमंत्री ने भी जीत का श्रेय जवानों को काफी सारा क्रेडिट दिया, तो क्या आपको लगता है ये गृह मंत्री के बयान की वजह से प्रधानमंत्री तक भी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंची? उपेंद्र जी पहुंच गई होगी, जब गृह मंत्री स्टेटमेंट दे रहा है तो प्रधानमंत्री को तो लगेगा कि तो ऑफिशियल आ गया, सरकार का आ गया, क्योंकि कोई भी जो मंत्री होता है ना, वो उसका जो जिम्मेदारी होती है वो समझेगी कि
सामुदायिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन और जो स्टेटमेंट देता है कहा जा रहा पूरे मामले की निगरानी कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री को लगातार ब्रीफ कर रहे थे, तो ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया कि ये सेना ऑपरेशन कर रही है, यहाँ कहा जा रहा ऑपरेशन खत्म हो गया, ये तो बड़ा ब्लंडर हुआ। फिर अगर प्रधानमंत्री तक गलत इन्फॉर्मेशन है तो गलत इन्फॉर्मेशन। अजीत डोभाल बताया जा रहा लगातार ब्रीफिंग दे रहे थे, अजीत डोभाल ने कभी नहीं कहा था कि ऑपरेशन खत्म हो गया, नहीं लगे हुए थे उन लोगों ने कभी नहीं कहा। पहले राजनाथ सिंह ने कहा तो राजनाथ सिंह का सुनकर उनको लगा होगा कि आ गया ऑफिशियल, कहां चूक देख रहे हैं आप एसपी सिंह साहब, क्योंकि राजनाथ सिंह जो आईबी है आईबी रिपोर्ट करता सीधे राजनाथ सिंह को। ये जो पूरी सरकार है इसमें कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं है, ना अफसरों में कोऑर्डिनेशन है ना मंत्रियों में कोऑर्डिनेशन है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उन्होंने अपने लोगों का ही जो गुजरात के लोग हैं अफसर लोग उन्हीं के द्वारा एक जाल बनाया हुआ है, उसी जाल के अंदर वो बंद है। वो बाहर से कम्युनिकेशन नहीं है, किसी मिनिस्टर से कम्युनिकेशन नहीं है, कोई मिनिस्टर कुछ आपस में बात नहीं कर सकते, वो भी ट्रैक किया जाता है कि एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर क्या बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके ऊपर पूरा निगरानी रखी जाती है। सबके सबके मुंह बंद किए हुए हैं कांग्रेस की, अब उसकी जब सबके मुंह बंद है, अब उनको जब भी मौका मिलता है पॉलिटिकल लोग हैं मुंह खोलेंगे ही। जैसे उपेंद्र जी कह रहे थे कि उन्हें मुंह खोलने का मौके चाहिए, और इन्हें इस देश को चलाना नहीं आता, ये देश तो कांग्रेस ही चला सकती है, इन्हें इस सरकार में रहने का हक नहीं है। इतने बड़े ब्लंडर इनके होम मिनिस्टर कर रहे हैं, इतने बड़े ब्लंडर इनके प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, ये देश के चलाने के लायक नहीं है, इन्हें रिजाइन करके बाहर आना चाहिए, दोबारा इलेक्शन कराना चाहिए। कर दिया गया सब उसमें मानते हैं, लेकिन दो घटनाएं बता रहा हूं राजनाथ सिंह की। आपको याद होगा कि पीएमओ के अंदर सडनली आधे घंटे पहले खबर आई कि एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है, और देश पूरा स्टैंड स्टिल हो गया कि पता नहीं अभी कोई बहुत बड़ी देश को खबर मिलने वाली है, और कहा गया थोड़े देर के बाद एक ट्वीट हुआ कि नागा अकॉर्ड हो गया है, ठीक है। उसके 10 मिनट बाद राजनाथ सिंह से टेलीविजन पर पूछा नागा अकॉर्ड के बारे में, राजनाथ सिंह ने टेलीविजन पर कहा मुझे पता ही नहीं है। अभी सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई, सुषमा स्वराज के पाकिस्तान जाने के बाद होम मिनिस्ट्रीज में यह कहा गया कि वो जा तो रही है, लेकिन जब हम पाकिस्तान हमारे यहां से कोई जाता है तो डॉजियर के बारे में हमसे बात करता है, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। होम मिनिस्ट्री ने कहा हमें पता ही नहीं है वो जा रही है तो क्या बात कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसमें क्या फेलियर हो सकता है, 100 में 1 बार चूक भी हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देश के 4 मंत्रियों में यह होड़ लगी हुई है, जिसका दिल चाहे वो बयान दे रहा है। एक मंत्री ने जो म्यांमार की बात अभी उपेंद्र जी कह रहे थे, एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि हमने जो किया है वो मैसेज चला गया है हमारे उन दुश्मनों को। अरे भाई आप कुछ कर तो रहे नहीं है, आपने अपने दुश्मनों को मैसेज दिया, और मैसेज में उन्होंने आपको गुरदासपुर में भेज दिया, आपको उधमपुर में भेज दिया, और आपके पठानकोट में भेज दिया। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जैसे इन्होंने कहा अभी एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि पार्लियामेंट के अंदर अगर वो अंदर घुस जाते तो क्या होता, माफ कीजिएगा इस देश की जनता कह रही थी घुस ही जाते एक बार तो ये संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। लेकिन सवाल ये है कि अगर दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट तक कुछ लोग कुछ उग्रवादी हवा से नहीं आएंगे पानी से नहीं आएंगे कहां से, वो अगर दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं तो फिर इस देश की सुरक्षा के बारे में बात छोड़ दीजिए। अगर वो देश के अंदर के लोग होते तो समझ में आता था, अगर कुछ लोग चल के बाहर से पार्लियामेंट तक पहुंच गए तो फिर मैं समझता हूं इतनी बड़ी सेना इतनी खुफिया इतने कमांडो इतनी एनएसजी इलीट फोर्स का क्या मतलब था। अब आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर घुस के अगर जब तक वो स्पीकर के नीचे बम नहीं लगा देते तब तक हम नहीं मानेंगे, तो ये अजीबोगरीब बात हो रही है इस देश के अंदर। मजाक उड़ा रहे हैं यार, ये जो है इतना मजाक उड़ाना है उड़ाइए। मैं एक बात यहाँ सच्चाई बता रहे हैं साहब, ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। अरे आप ये पूरा देश सोच रहा है वही बता रहे हैं, बताइए। वो आतंकवादी हैं, आतंकवादी वो अपने सर पे जो है कफन लेके कहीं भी अटैक कर देते हैं मर जाते हैं। हमारे एक ही चीज कहना है, अगर हम देश 125 करोड़ लोग अगर जिस दिन सुन लीजिए मेरी बात को, मैंने आपसे सवाल मेरी बात में जो अगर दम नहीं हो तो आप बोलिएगा। हमारे देश के लोग जिस दिन नहीं मैं कुछ और बात मैं एक बात और कह रहा हूँ, ये 60-70 साल में ये बात है इतना। अरे आप सुन लीजिए तो पहले अरे आप सुन लीजिए 56 इंच का सीना कहते थे, सुन लीजिए वो बातों में दम कहा रहा, ये बात में दम रहा है ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर की बातों में दम नहीं है। साहब आपकी बातों में क्या दम होगा साहब, आप
इस देश मान लीजिए कि हम सरकार चलाने लायक नहीं है वाले लोग आज भाषण दे रहे हैं। मैं यह ही कह रहा हूं कि अगर सचमुच में 125 करोड़ हमारी जनता जिस दिन एक हो जाए तो ये आतंकवादी कोई नहीं आए, कोई अटैक नहीं हो। सवाल आज एक ही बताइए कैसे नहीं होगा। आप एक बताइए, बांग्लादेश का बॉर्डर पूरे का पूरे 60 साल तो पहले भी खुला था यार, खुला था आज भी नेपाल के बॉर्डर, आज के नेपाल के बॉर्डर, दुनिया भर की चीजें, मतलब आपके किस आज आज इस पे ये काम हो रहा है। आप एक चीज सोचिए, एक से एक इंटेलिजेंस होने के बाद भी, आज पता होने के बाद भी ये घुसे हैं, पकड़े जाने के बाद भी इस प्रकार की घटना। अरे उधमपुर में तो जिंदा पकड़ा था, क्या हुआ मुझे बताएं। मेरे भाई आप देश को भरोसा नहीं दिला पा रहे, आपका गृह मंत्री कुछ कह रहा है, आपका सूचना मंत्री कुछ कह रहा है, आपने सेनाओं के स्पोक पर्सन को बिठा दिया है ताकि आपकी कुछ क्रेडिबिलिटी बने, उन विचारों की भी सुन लो, और आपके मंत्रियों को बयान देने के अलावा किसी शहीद के जिसके घर में अंतिम संस्कार हो रहा है जाने की फुर्सत नहीं है। देखो अगर आप सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए विपुल जी, आप एक काम करो ना, सारे बीजेपी को बंदूक दे दो, हम जा रहे हैं बॉर्डर में लड़ने के लिए, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस प्रकार की भाषा जो है, हम व्यक्तिगत रूप से खुद कह रहे हैं, देखो ऐसा है, देश के साथ समझौता नहीं करेंगे। कोई भी मंत्री देखो, हम लोग किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे। ये जो हो रहा है निश्चित रूप से, कौन सा कैसा समझौता, अरे कैसा सम्मान जी बताएं, मोदी जी ये बताएं सही नहीं, एक्शन क्या लेंगे, मोदी को बीच में ना आए, मोदी जी क्या लेंगे, मोदी जी की जॉबरी है, इसकी बात हो रही है, ठीक है, जो है खानी पड़ेगी, सब डायलॉग है, सब सब आप जो है फिल्में ज्यादा देख रहे हैं, फिल्में नहीं देख रहे हैं, चले आप एक चीज बताइए ना, हम तैयार है युद्ध करने के लिए, आप आज लोग तैयार होइए, खाली यहाँ भाषण देने से नहीं, मीडिया भी आ जाए बम लेके वहाँ पाकिस्तान के ऊपर, आपको इसलिए बताया था खाली यहाँ बम फोड़ने, वोट इसलिए दिया था गाली देने के लिए, बम फोड़ने के लिए आप लोग बैठे, ये ठीक नहीं है, बचा के रखिए अभी, बिल्कुल जी उपेंद्र जी, चलिए अब थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं, भारत को इस ये जो हमला हुआ है क्या कुछ सीख लेनी चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, भारत पाकिस्तान के रिश्ते क्या इससे प्रभावित होंगे? अब देखिए, भारत पाकिस्तान के रिश्ते पहले ही से बहुत खराब हैं, ये जो अच्छा हो नहीं रहा है, कभी कभी लगता है कि अच्छा हो रहा है, चाहे जो भी बात कर लें, बर्थडे गिफ्ट जाकर दे दें, शादी का गिफ्ट दे दें, कुछ भी दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। भारत को पाकिस्तान के साथ एक अशांत देश के साथ और एक ये कि एक असहिष्णु देश के साथ इसको रहना पड़ेगा। तो अब भारत तो बातचीत करने में हमें नहीं लगता कोई बुरा है, बातचीत करे, लेकिन बातचीत का कोई रिजल्ट निकलेगा इसकी उम्मीद भारत छोड़ दे। इस समस्या का समाधान बातचीत से होना नहीं है, तो क्या उसका समाधान है, इसके लिए स्ट्रेटजी अपनाए, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, मिड टर्म स्ट्रेटजी, ये भारत को अपनाना पड़ेगा कि पाकिस्तान नाम का जो नासूर है उसका इलाज कैसे किया जाए। और ये स्पष्ट हो गया कि एक तरफ आप बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ है कि आप आतंकवादी भेजते हैं, तो ये बातचीत से तो होना नहीं है। हाँ, भले अगर बातचीत आप करना चाहते हैं देश दुनिया को दिखलाने के लिए, दुनिया को दिखलाने के लिए कि भाई हम बातचीत के विकल्प को भी हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो ठीक है बात कीजिए, लेकिन उससे कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। उल्टे जब आप बातचीत शुरू करते हैं उसी तब ही इस तरह की घटना घट जाती है। इसलिए भारत को अपनी स्ट्रेटजी स्पष्ट कर देनी चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करके हम समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। आपसे जानना चाहेंगे एसपी सिंह साहब, आप क्या हल देखते हैं, सरकारें कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और भी सरकार रही हो, ये एक समस्या ऐसी है जिसने भारत को लगातार आजादी के बाद से परेशान करके रखा हुआ, हल क्या है इसका? देखिए, अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएं तो ये क्लियर है कि वो सीरियस नहीं है। हो सकता है वहाँ डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट हो वो सीरियस हो, लेकिन जो वहाँ की मिलिट्री है वो सीरियस नहीं है। और उस पूरे देश में जो कंट्रोल है, मैं समझता हूँ 2/3 कंट्रोल देश के ऊपर मिलिट्री का है और 1/3 शायद डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस विषय में बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है और हमें कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, क्रॉस बॉर्डर भी अगर हमें करना पड़े तो, अगर जरूरत ऐसी महसूस होती है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं तो हमें उसमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए। आप उसमें ये बहुत हो गया, आप लंबे समय से पाकिस्तान को कवर करते आ रहे हैं, भारत पाकिस्तान के रिश्तों को देखते आ रहे हैं, इसका हल क्या है? क्या बातचीत जब जब होती है तब तब हमले होते हैं, लाहौर बस यात्रा के बाद क्या हुआ, सबने सब कुछ देखा हुआ है,
तमाम समझौते हुए, कोई समझौते का कोई हल नहीं निकला। सीधा युद्ध करने की स्थिति में ना भारत है ना पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ साथ दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, ऐसे में क्या हल हो सकता है इसका? देखिए, भारत पाकिस्तान का कोई एक चीज का हल नहीं है कि हम ये कल से कह दें कि बातचीत मत करिए तो ये हल निकल आएगा, मुझे लगता है ये कोई हल नहीं है। लेकिन आप एक बात देखें कि एक मुल्क ने अपनी पॉलिसी पूरी दुनिया के सामने बता दी है और उसका किरदार पिछले 65 साल में दुनिया के साथ यही है। जो वॉरन टेरर लड़ रहा था अमेरिका के साथ, उसी की एड लेता था और उन्हीं में से जो उसके मतलब के आतंकवादी थे उनको पैसा देता था। मेरा कहना यह है कि जब कोई मुल्क उस पे उतर आए कि मुझे खुदकशी करनी है, तो आप उससे फिर जो है ये बातचीत से बात नहीं होगी, या तो उसको खुदकशी एक बार करने दें या उसको खुदकशी करने पे मजबूर कर दें, तो दोनों में से एक रणनीति होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस के जमाने मुझे फिर भी एक लंबे समय तक पाकिस्तान के प्रति जो पॉलिसी होनी चाहिए थी उसमें कोई एक बात लगती थी। लेकिन आज देखें, एनडीए की दो बार सरकार आई, एक बार अटल जी बस लेके चले गए, उसके बाद जो कुछ हुआ आप ये मत कहिए, ये कहना बड़ा आसान होता है। हमारे यहां नेता आते हैं ना, उनके चेहरे से मक्कारी नजर आती है जब वो ये कहते हैं ना देश के शूर वीरों पे हमें बड़ा सम्मान है। अरे जब शूर वीरों से कोई देश चलाना है तो तुम फिर देश में क्यों बैठे हुए हो यार? तुम्हारी पॉलिसी की वजह से वो लोग मर रहे हैं। कोई आर्मी का आदमी इसलिए नहीं मर रहा है कि उसकी स्थिति कमी है, आपके ऑर्डर और आपके इक्विपमेंट और आपके कारण फौजी मारा जाता है। तो आप आते हैं कहते हैं हमें उन पर गर्व है। अरे भाई, ये गर्व तो पिछले 50 साल से और दुनिया की हर फोर्स को अपने मुल्क के ऊपर होता है, लेकिन ये बयान देने का मतलब ऐसा लगता है कि हमारा सिर्फ काम यह है कि हम आए, हमें अपने फौजियों पर बड़ा गर्व है, उन्होंने देश की रक्षा की है, हम बड़े इसके लिए उनके धन्यवाद हैं। ये तो सभी कह रहे हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान को आप ट्रीट कैसे करें। आप पाकिस्तान को जितना इग्नोर करेंगे, भारत के अंदर ये जो पीस निक की है, कॉटेज इंडस्ट्री चल रही है, इसमें बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप जरा देखिए कि एक टच पूंजिया सा राज्य है हमारे देश में जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, उसके मुख्यमंत्री को देखिए, वो जो अपना ज्वाइंट घोषणा पत्र इनके साथ बनाता है जिसमें सरकार इनकी चल रही है, उसके उस ज्वाइंट घोषणा पत्र के अंदर एक पॉइंट है कि सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आपको बात करनी चाहिए। और आप पूरी घटनाओं की सिलसिलेवार डेट एंड टाइम देख ले, भारत की सरकार ने उस मुहायदे के बाद जो जम्मू कश्मीर में एंटी इंडिया पीडीपी मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार बनी है, तब से एक एक घटना और टाइम देख लीजिए कैलेंडर में, आपको लगता है सरकार जब एक राज्य के मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, उस जगह सरकार बनाने के लिए विदेश नीति को मुतासिर कर सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में कितने वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे पाकिस्तान के साथ दुकान चलाने के लिए। चलिए आखिरी सवाल मैं चाहूंगा कि मैं साहू साहब इसका जवाब दें। साहू साहब, बहुत लोगों को बहुत उम्मीदें थी, इतना बड़ा मैंडेट आपकी सरकार को मिला। सवाल मेरा ये है कि कितनी निराशा जो लोगों को हो रही है, कब तक ये चलता रहेगा? और दूसरा ये, अब पाकिस्तान को लेकर के क्या रणनीति रहेगी? हम क्यों बातचीत बंद करते हैं, क्यों बातचीत शुरू करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए, सबसे पहले तो मुझे जो इनिशिएटिव था बातचीत का, शायद ये कहीं ना कहीं अब रुकेगी, क्योंकि जब जिस दौर में ले गए थे प्रधानमंत्री जी बातचीत को, वो डीरेल कर दिया है। जिस मंशा में था, उनका मंसूबा था कि किसी भी हालत में ये वार्ता आगे ना बढ़े, क्योंकि आतंकवादियों को जो पनाह देने वाले लोग हैं उनका सुपड़ा साफ होने का जैसे ही लगता है कि अगर ये समझौता हो गया है पाकिस्तान के साथ, क्या रणनीति होनी तो चाहिए? उनको डर लगता है कि हमें जो सहायता मिलता है आतंकवादी गिरोहों से या कहिए कि कट्टरपंथियों से, उनसे मिलना बंद हो जाएगा। तो वो उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल हो रहा है, और मुझे लगता है कि सरकार साफ तौर पर ये वार्ता खत्म करने की योजना बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अब आगे खत्म हो या चले, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रणनीति क्या होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, अब किस तरीके से देखिए पाकिस्तान से जो रणनीति पहले हम कहते रहे हैं कि गोली और बोली साथ साथ नहीं चलेगा, ये रणनीति वापस फिर से भारत को अपनानी पड़ेगी, मुझे जो है ये लगता है। चले देखते हैं अब आगे किस तरीके की रणनीति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी सिंह साहब आपका, आनंद साहू जी आपका, पुष्पेन जी आपका, उपेन जी आपका, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल घटना चक्र को यही समेटते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनटीवी। नमस्कार।